हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं स्टॉक मार्केट तक चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमी ऑर्गेनिक्स आईपीओ के रिलेटेड। इसके कंप्लीट डिटेल्स रिव्यू देखेंगे, आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम और अप्लाई करने से पहले इसके कौन से 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, साथ ही बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल पैरामीटर। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल वाले सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक इनकरेज करता है कि आप सभी दोस्तों के लिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहो। सो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। आने वाले आईपीओ में आप अपने अलॉटमेंट चांस बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। सो अभी तक आपने अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऑप्शन का लिंक दिया है, वहाँ से आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और आने वाले आईपीओ में प्रत्येक फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस उठा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। बात करें कंपनी के रिलेटेड तो यह एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड आईपीओ है, एमी ऑर्गेनिक आईपीओ कह सकते हैं इसको। यह आईपीओ 1 सितंबर से ओपन हुआ, 3 सितंबर इसका क्लोजिंग डेट रखा गया हुआ है। यहीं पे कंपनी के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया हुआ है कि यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 2004 में और यह कंपनी एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यह वन ऑफ द लीडिंग है किस सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्राइविंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स में। यह आप लोगों को यहाँ पे लीडिंग कंपनी है। और वहीं पे कंपनी की बात करें तो यह मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल्स, इंटरमीडिएट और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरग्रेट यहाँ पे इंग्रेडिएंट। तो इस कंपनी के एपीआई सेगमेंट में आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलता है। साथ ही इस कंपनी की बात करें तो न्यू केमिकल एंटिटीज मटेरियल्स फॉर द एग्रोकेमिकल्स, फाइन केमिकल, इन सारे में आप लोगों को मटेरियल को भी डेवलप करते हुए कंपनी देखने को मिलती है। कंपनी के आगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है कि यहाँ पे कंपनी डेवलप करती है 450 फार्मा यहाँ पे इंटरमीडिएट्स अक्रॉस द 70 की थेरापेटिक एरियाज में, जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों को दिया गया हुआ है एंटी रेट्रोवायरल्स, एंटी आप लोगों को इन्फ्लेमेटरी और यहाँ पे एंटी साइकोटिक, एंटी कैंसर और एंटी यहाँ पे पार्किंसन और एंटी डिप्रेसेंट और एंटी आप लोगों को कैगुलेंट। यहाँ पे कंपनी के द्वारा इस सारे सेगमेंट में आप लोगों को इसके जो आप लोगों को डेवलप किया जाता है वो आप लोगों को यूज होते हुए देखने को मिलता है फार्मा। वहीं पे यह सप्लाई करती है वह आप लोगों को प्रोडक्ट्स जो कि मोर देन इसके 150 कस्टमर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कस्टमर भी इस कंपनी के पास है। और इंडिया के अलावा इस कंपनी के द्वारा 25 कंट्रीज़ में भी अलग अलग कंट्रीज में आप लोगों को यहाँ पे इसके सप्लाई किया जाता है, जैसे कि यूरोप हो गया, यूएसए, चाइना, इसराइल, जापान, यहाँ पे लैटिन अमेरिका, इन सारे जगह पे आप लोगों को इसके कंपनी के प्रोडक्ट्स आप लोगों को सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जो आप लोगों को इसके कस्टमर में लेवरेज लैब जो आप लोगों को लिस्टेड कंपनी है, कैपिल यहाँ पे कैडिला हेल्थ केयर्स हो गया, सिप्ला लिमिटेड हो गया, इन सारे आप लोगों को इसके कस्टमर देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द आप लोग के डोमेस्टिक और यहाँ पे ऑर्गेनिक्स, जैसे कि आप लोगों को इसके SRLA हो गया, सोशियो यूनिको हो गया, फेरमियोन हो, ओले हो गया, ये सारे इंटरनेशनल कस्टमर इसके आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं पर कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि गुजरात सिचुएटेड, सांची हो गया, अंकलेश्वर और जगदिया। इस कंपनी का आप लोगों को यहाँ पे 3 जगह पे इसके फैसिलिटी देखते को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की कंपनी की बात करें तो 6060 MTPA इस कंपनी के पास आप लोगों को देखने को मिलता है। कंपनी के कंपेटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यह कंपनी आप लोगों को यहाँ पे वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सर्टिंग फार्मास्यूटिकल्स का इंटरमीडिएट्स में आप लोगों को देखने को मिलता है। इन चारों जगह पर आप लोगों को यह 5 जगह पर कंपनी लीडिंग कंपनी है। वहीं पे कंपनी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस कंपनी के पास है, 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स अक्रॉस द 70 थेरापेटिक एरियाज में यह कंपनी के काम करते हुए देखने को मिलता है। एक्सटेंसिव की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी का जियोग्राफिकली प्रेजेंस भी आप लोगों को डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है, कस्टमर बेस भी आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग R&D इस कंपनी के पास आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड भी आप लोगों को कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलता है। वहीं पर कंपनी के प्रमोटर्स में आप लोगों को यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स नेम आप लोगों को दिया गया हुआ है जो देख सकते हैं।
और वहीं पे कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करें तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर कंपनी के टोटल एसेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 ईयर का कंपेरिजन किया गया हुआ है और यहाँ पे मिलियन में टोटल फिगर दिया गया हुआ है। पहले आप लोगों को 2019 में 2131 मिलियन का यहाँ पे एसेट था, वो आप लोगों को बढ़कर 2318 मिलियन 2020 में हो गया। 2021 में की बात करें तो 4132 मिलियन इस कंपनी के पास एसेट देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी आप लोगों को एक अच्छा खासा ग्रोथ और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है। यानी कि इसके कंपनी के 2019 में 2388 मिलियन यहां पे रेवेन्यू देखने को मिला था और यहीं पे 2424 मिलियन 2020 में और 3419 मिलियन रेवेन्यू यहाँ पर 2021 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है। वहीं पर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के टैक्स देने के बाद प्रॉफिट बचते हुए देखने को मिल रहा है 2019 में 232 मिलियन का, वहीं पे 2020 में 274 मिलियन का और यहाँ पे 2021 की बात करें तो यहाँ पे 539 मिलियन का देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप लोगों को 2021 में काफ़ी अच्छे खासे ग्रोथ कंपनी के द्वारा देखने को मिला है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट आगे आने वाले समय में यदि इस कंपनी के ग्रोथ देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग होने के बाद भी आप लोगों को इसके शेयर को परचेज कर सकते हैं फॉर दी क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद, एक दो क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट फ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इस IPO को लाने का, तो यहाँ पे रीपेमेंट करना चाहती है, प्री पेमेंट करना चाहती है, सर्टेन फाइनेंशियल फैसिलिटी आप लोगों को कंपनी कवर करना चाहती है और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है उसको एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहती है और जनरल यहाँ पे कॉरपोरेट पर्पस जो है IPO में आप लोगों को एज यूजल देखने को मिलता है उसमें भी आप लोगों को दिया गया हुआ है। यहाँ पे QIB के लिए कितना परसेंट रिजर्व रखा गया हुआ है, तो यहाँ पे इशू साइज के अनुसार से 50% QIB के लिए 284 करोड़ यहाँ पे रिजर्व रखा गया हुआ है। HNI हाई नेटवर्क इंडिविजुअल या कह सकते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% यहाँ पे रिजर्व रखा गया हुआ है 85 करोड़ के लिए और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए 35% रिजर्व रखा गया हुआ, यानी कि 199 करोड़ पर यहाँ पे आप लोग बिड कर सकते हैं। वहाँ पे देखने वाली बात है कि कंपनी के द्वारा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे 2019-20 में अर्निंग पर शेयर 8.72 था, वो आप लोग को डबल होते हुए 2020-21 में देखने को मिला 17.14 था। वहीं पे यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ पर बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ पर काफ़ी अच्छे खासे इंप्रूवमेंट देखने को मिला और यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे देखने को मिला 32.35% जो पॉजिटिव हो जाता है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे 35 पर EPS इसका ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही इसके कंपिटिटर की बात करें तो यहाँ पे आरती इंडस्ट्री हो गया, हिकाल लिमिटेड हो गया जिसका आप लोगों को 35 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आरती इंडस्ट्री का 56 पर, 37 पर यहाँ पे वैलियंट ऑर्गेनिक्स हो गया, वैलियंट ऑर्गेनिक्स 65 यहाँ पे 67 पे ट्रेड कर रहा है। और अतुल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे अतुल लिमिटेड के बारे में भी, तो अतुल लिमिटेड भी इसके पीयर कंपिटिटर जो कि 38 PE पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे एवरेज PE की रेशियो की बात करें तो एवरेज PE के आसपास ही एक कंपनी के द्वारा आप लोगों को अपने वैल्यूएशन लाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं कि फेयर वैल्यूएशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस कंपनी का जिस तरीके से यह IPO ला रही है। प्री मार्केट प्रीमियम देखने से पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका 1 सितंबर इसका ओपनिंग डेट रखा गया है, 3 सितंबर इसका क्लोजिंग डेट, यहाँ पे 10 रुपीज पर यूनिट से इसका फेस वैल्यू, यहाँ पे प्राइस वैल्यू की बात करें तो 603 से लेकर 610 यानी कि कट प्राइस 610 पर आप लोगों को अप्लाई करना है। 24 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। इशू साइज की बात करें तो यह BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होने वाली है और इशू साइज इसका 569 करोड़ का टोटल इशू साइज है जिसमें फ्रेश इशू 200 करोड़ का होने वाला है, यानी कि कंपनी जितना इशू साइज ला रही है उसमें से 200 करोड़ अपने डेवलपमेंट में भी काम करेंगे और बोरोइंग भी कम करने के लिए यूज़ करेगी। ऑफर फॉर सेल के माध्यम से मात्र यहाँ पे 369 करोड़ का टोटल यहाँ पे ऑफर फॉर सेल होने वाला है। आगे टेंटेटिव डेट जो आप लोगों को दिया गया वो 1 सितंबर ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट 3 सितंबर, यहाँ पे 8 सितंबर अलॉटमेंट डेट रखा हुआ, रिफंड नहीं मिलता है तो 9 सितंबर, 13 सितंबर आपके डिमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, 14 सितंबर को ये BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। इसकी बात करें यहाँ पे आपको अलॉटमेंट तो एक लॉट के लिए आपके पास अप्लाई करने के लिए 14,640 रुपये चाहिए, मैक्सिमम 13 लॉट एक डिमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मल्टीपल प्रत्येक फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के डिमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके ना चाहिए ताकि आप लोगों को अलॉटमेंट चांस इस IPO में मिलते हुए देखने को मिल सके। साथ ही इसके प्रमोटर्स की बात करें तो ये IPO आने से पहले इसके प्रमोटर्स के पास 47.23% था, वो आप लोगों को हो जाएगा 41.01% स्टेक। वहीं पे आज की इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे सेंटीमेंट डाउन होने की वजह से सेकेंडरी मार्केट में इसके कारण से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रहा है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको
जीरो पर ट्रेड करते हुए देखने को मिले। कोई भी आप लोगों को ट्रेड बाई और सेल नहीं होते हुए देखने को मिला, जो कि निगेटिव साइन हो जाता है। आने वाले समय में आपको किन पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% से एवं होना चाहिए अप्लाई करते समय। साथ ही इसके बात करें आप लोगों को इसका सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे और सेकेंड डे एक अच्छा खासा HNI के द्वारा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तो जाकर आप लोग SIPO में बिड कर सकते हैं, वरना आप लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हैं फॉर द लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आप लोग के लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। कोई फर्दर डाउट क्वेरी कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। सो कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।